आर्यन की जमानत मिलने की खबर के बाद से ही शाहरुख की तस्वीर भी सामने आई। मन्नत के बाहर पटाखे जल रहे थे, फैंस ने खुशी भी मनाई थी, लेकिन कल उनकी रिहाई नहीं हुई। आज फिर से जश्न की तैयारियां हैं। रिपोर्ट देखिए। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बोलते हुए कहा था कि आर्यन खान के पास ना तो ड्रग्स बरामद हुई और ना ही उसने ड्रग्स कंज्यूम की थी। तीन अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर वन, आखिर मन्नत हुई पूरी, अब मन्नत में मनेगी दिवाली। और उससे पहले किंग खान अपने बेटे के साथ जन्मदिन भी मना पाएंगे। शाहरुख के समर्थक खुश हैं, पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मन्नत पूरी होगी और आर्यन की भी मन्नत पूरी होगी और वो मन्नत में जाएगा। जब से आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस में सामने आया है, शाहरुख खान सामने नहीं आए, लेकिन आर्यन को जमानत मिलने के बाद वो पहली दफा दिखे। लीगल टीम के साथ शाहरुख खान एक फोटो शेयर करी। इसके अलावा शाहरुख के छोटे बेटे अब्राहम भी हाथ हिलाकर खुशी जता रहे थे। जब हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को मंजूर दे दी, उसके बाद यहाँ पर जश्न मनाया गया। रात भर सेलिब्रिटीज जो हैं वो शाहरुख और गौरी खान से मिलने यहाँ पर पहुँचते रहे। आर्यन के अलावा मुनमुन धमेजा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिली है, वो भी आर्थर रोड जेल में बंद है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आर्यन और उनके दोनों दोस्तों का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। और जब ये यहाँ तक बात आ गई है तो there's no problem, we'll travel level best, इसलिए आज मैं खुद पर्सनली आया उसे दिलासा देने के लिए कि बच्चा आज इंशाल्लाह हो जाएगा। जमानत तो मिल गई, लेकिन जब तक केस चलेगा तब तक कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं। आर्यन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से कांटेक्ट नहीं करेंगे। तीनों आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे। कोई भी आरोपी मीडिया में बयानबाजी नहीं करेगा। कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। जब भी जरूरत होगी एनसीबी को सहयोग करेंगे। इनमें से किसी भी शर्त का वॉयलेशन करने पर बेल रद्द कर दी जाएगी। शाहरुख खान आर्यन से एक बार ही मिलने जेल गए थे। इस बीच वो 10 मिनट ही कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर पाए। उधर सामान्य कैदियों की तरह आर्यन को रखा गया। जेल मैनुअल के हिसाब से हर नियम को आर्यन को मानना पड़ा। करीब 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बिताकर अब तीनों आरोपी जेल से जमानत पर रिहा हो रहे हैं। हालांकि अभी केस चलता रहेगा। एनसीबी को कोर्ट में पुख्ता सबूत दिखाने होंगे जिससे आर्यन एंड कंपनी पर शिकंजा कसा जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।